फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं ईशा। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, वो है इंस्टेंट दही बल्ले। दाल के दही बल्ले बनाने में बहुत समय लग जाता है, तो इसे हम तुरंत बना के खा सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप इसे बना सकते हैं। और इसे हम बिना फ्राई किए बनाएंगे, जो बहुत ही हेल्दी होंगे। और जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ठंडे ठंडे दही बल्ले खाने किसे पसंद नहीं होते। तो आइए फ्रेंड्स, हम इंस्टेंट दही बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी के दही बल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है, और आधी कटोरी हम दही लेंगे। दही बल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, तो इसमें हम सूजी ऐड करेंगे, आधी कटोरी दही ऐड करेंगे, और आधी कटोरी ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो नमक इसमें हम कम ही ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ऐड करेंगे, ये दो हरी मिर्ची है जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। जीरा ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। अदरक ऐड करेंगे जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, इससे हमारे दही भल्ले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि जो हमारी सूजी वो अच्छी फूल जाए। जब तक हमारी सूजी सेट हो रही है, तब तक हम पानी को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस ऑन कर ली। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने सूजी में भी ऐड किया है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग ऐड करेंगे, तो इसमें हमारे दही बल्ले में बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये। तो पानी को हल्का ही गर्म करेंगे, कुनकुना ही करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे सूजी के दही बल्ले के लिए। ये पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। दही बल्ले के लिए हमने यहाँ पे दही को अच्छा बीट कर लिया और इसे स्मूथ कर लिया है, तो इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, ये पाउडर शुगर है। और इन सबको मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे दही बल्लों में। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे इसके बाद हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छी ठंडी हो जाए और इसे हम दही बल्ले में ठंडी ठंडी सर्व करेंगे। अब आधे घंटे के बाद हम प्लेट हटा लेते हैं और सूजी को चेक कर लेते हैं। तो हमारी सूजी काफ़ी थिक हो चुकी है और अच्छी फूल भी चुकी है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 चम्मच के करीब, और इसे दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जो हमारे दही बल्ले को अच्छा फुलाएंगे और अच्छे फूले फूले बनेंगे इससे हमारे दही बल्ले। और इसे मिक्स कर लेंगे हम। तो आज हम दही बल्ला बिना ऑयल के बनाएंगे, एकदम कम ऑयल में। तो उसे हम अप्पे के पैन में बनाएंगे, जो बहुत ही हेल्दी बनेंगे। तो ये सूजी हमारी अच्छी सेट हो चुकी है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अप्पे पैन में ऑयल से ग्रीस कर लिया है अप्पे पैन को, तो अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे, सूजी का बैटर। वैसे हम चम्मच से ऐड करते जाएंगे। ये सारे बैटर को हमने अप्पे पैन में ऐड कर लिया है, तो अब हम इसे कवर अप कर देते हैं और गैस की फ्लेम लो करके इसे हम 2 मिनट के लिए कवर अप करेंगे। अब 2 मिनट के बाद हम कवर हटा लेते हैं। ये हमारे दही बल्ले बहुत अच्छे फूल चुके हैं और ये अच्छे पक भी चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। ये अच्छे ड्राई हो चुके हैं और इसे अब हम पलट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया ये सिक चुके हैं एक साइड से। तो इसे हम दूसरी साइड से टर्न कर लेते हैं सभी पीस को। तो बहुत ही अच्छे से हमारे सारे दही बल्ले सिक चुके हैं। ये सारे दही बल्ले हमारे एक साइड से अच्छे सेक चुके हैं, तो दोबारा इसे हम कवर अप करके 2 मिनट तक सेक लेते हैं लो फ्लेम पे। अब 2 मिनट के बाद हम कवर हटा लेते हैं और अपने दही बल्लों को चेक कर लेते हैं। तो ये दही बल्ले हमारे दोनों साइड से बहुत अच्छे सेक चुके हैं, तो इसे हम बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो दोनों साइड से बहुत अच्छे सिक चुके हैं। ये दही भल्ले हमारे दोनों साइड से बहुत अच्छे सिक चुके हैं और अच्छे फूल चुके हैं, तो इसे हम कुनकुने पानी में ऐड करेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए ही रखेंगे ताकि ये अच्छे फूल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं रखना है, सिर्फ इसे 5 मिनट के लिए ही इस कुनकुने पानी में आप रखें। और बाकी बचे हुए बैटर को भी हमने अपे पैन में ऐड कर लिया है और इसे भी हम सेक लेंगे कवर अप करके। ये हमारे सूजी के दही भल्ले अच्छे फूल चुके हैं और अच्छे सॉफ्ट भी हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसे हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे, ज़्यादा जोर के प्रेस ना करें, सिर्फ हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ज़्यादा प्रेशर ना दें जब आप इसे प्रेस करें, तो ये बहुत ही अच्छे फूल जाते हैं। तो सारे दही भल्ले को हम बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम दही भल्लों को दही के साथ सर्व कर लेते हैं, ठंडी ठंडी दही के साथ। अब हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे, मीठी चटनी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे दही भल्लों में। हरी चटनी ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा। जीरा पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो ये हमारे इंस्टेंट दही भल्ले बन के तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और इसे हमने बहुत ही कम ऑयल से बनाया है, तो ये बहुत ही फूले फूले और स्पंजी भी बनते हैं। तो इसे अब हम चम्मच से तोड़ के दिखाते हैं कि कितने स्पंजी बने हैं ये, जो मुंह में जाते ही हमारे घुल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो आप भी इस इंस्टेंट सी प्यारी सी बहुत ही बढ़िया लगने वाली रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी इंस्टेंट दही भल्ले की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।